आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट लखन पर्लिकर से। पिछले चार दिनों से औरंगाबाद शहर के होटल वर्षा इन में चल रहा है सोहन कुमार प्रेजेंट लखन पर्लिकर ब्राइडल मेकअप वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में शहर के अलावा मराठवाड़ा की ब्यूटीशियन ने भी हिस्सा लिया। आरोग्य जागृति से बात करते हुए लखन पर्लिकर ने बताया, हमारे कमाई का आधा हिस्सा एडवांस टेक्निक और नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में खर्च करना चाहिए, तब जाकर आपके ब्यूटी सैलून या मेकअप स्टूडियो की पहचान बनेगी। साथ ही बताया कि ऐसे वर्कशॉप और ऐसे सेमिनार शहर में हमेशा होने चाहिए, ताकि ब्यूटीशियन को सीखने के लिए शहर से दूर पुणे या मुंबई जाना ना पड़े। इसमें समय के साथ साथ पैसा भी बहुत लगता है। आरोग्य जागृति ने यहाँ पर आए ब्यूटीशियन से भी बात करने की कोशिश की। आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूँगा आपका मीडिया जो चैनल है इसका। और सेकंड थिंग ऐसा है कि अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा नॉलेज है उनके पास, काफ़ी जगहों से उन्होंने करके आए। और मैं खुशनसीब हूँ कि इतना क्राउड हमें अच्छा मिला है इस प्रोग्राम के लिए, और सब नॉलेजेबल लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उन लोगों का, और अच्छा लग रहा है। इसके बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये मैं देना चाहूँगा कि देखिए, आपका जितना भी आप अर्निंग कर रहे हो फिलहाल, तो अर्निंग का आपको 50% अमाउंट आपके नॉलेज में इन्वेस्ट करना है, तभी आप बढ़ पाओगे, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। कोई भी पौधा लगाते हैं हम लोग, तो उसकी अच्छे से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारा जो व्यवसाय रहता है वो हमारे लिए पौधा ही रहता है, उसको अच्छा से हम खत पानी करेंगे और उसकी देखभाल अच्छे करेंगे, तभी वो ग्रोथ कर पाएगा, नहीं तो वो उसकी लाइफ बहुत कम होगी। तो खुद को अपडेट करने के लिए आपको ग्रोथ करना और ऐसे सेमिनार्स वर्कशॉप करना बहुत ज़रूरी है। बताया कि जैसा अभी ऑर्गेनाइज किस तरीका किया गया है, इसमें आपको कुछ ऐसा दिक्कतें या कमियां महसूस हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं सोहम सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मानना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, सब छोटी सी छोटी बात पे ध्यान दिया है और बहुत अच्छे से सब नियोजन है, खाने से लेके चाय से लेके सब आते, उनका जो वेलकम रहता है, सब चीज़ें उन्होंने बहुत ही बारीकी से किया है, तो उनके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि सच में बहुत आपने खुद बहुत ऑर्गेनाइजेशन अच्छा किया है। मैं विद्या पवार, मेरा पार्लर हिंगोली में है, दर्पण ब्यूटी पार्लर। मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि लखन सर का सेमिनार या हो सके तो वर्कशॉप करना चाहिए, लेकिन मेरे नसीब से शुरुआत में मेरा सेमिनार हो गया। तब से मैं बहुत इंतज़ार में थी कि सर कब वर्कशॉप लेंगे और मैं उसका लाभ कब उठाऊँ, लेकिन तुरंत सोहम सर की इससे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखन सर जैसे आर्टिस्ट बहुत दिनों तक जिए और हमें उनका ज्ञान का लाभ होना चाहिए, बहुत अच्छा, जैसे घर के जैसा। और पहली बात तो ये है कि सर मराठी में बात करते हैं, हम मराठवाड़ा में के हैं तो इसलिए मुझे मराठी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने मराठी में जो लव जैसे घरगुती जैसा बात करते हैं, तो उन्हें हमें बहुत जल्दी वो हम कैच करते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम घर के जैसा ही सुन रहे हैं और कैच कर रहे हैं, तो हमें जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। पहली बात तो सीखने का कोई अंत नहीं है, और जितना सीखो उतना कम है। औरंगाबाद में कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी अगर कोई आ रही है तो मुझे लगता है हर किसी ने उसका यूज़ करना चाहिए। हम नॉर्मल इंसान यहाँ से बाहर बहुत नहीं जा पाते, कभी कुछ घर के प्रॉब्लम, कभी पैसों का प्रॉब्लम, कभी कुछ ऐसी कंडीशन आती है हम नहीं जा पाते दूर, लेकिन अगर औरंगाबाद में कोई आया है और हमें लगता है कि करना चाहिए, तो इसलिए फिर मेरा पर्पज़ था कि आना, बहुत अच्छे से आना, सचमुच आना, वो सब चीज़ें अलग होती है। सर दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट बहुत अपनापन है यहाँ पर सबका ही, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली है उन्होंने हर किसी को बहन और माँ जैसे ही यहाँ पे ट्रीट किया है, एक बार भी नहीं लगा कि हम अपने फैमिली में नहीं है, एक कंफर्ट जोन सबके साथ बन चुका है। और बाकी के जितने भी हम लोग, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब इतने अपनेपन से रह रहे हैं यहाँ पे, दो दिन हो गए पर दो दिन में जाने का ना मन करता है, घर से फटाफट आने का मन करता है। बहुत कुछ नया सीखने को मिला, लखन सर के छोटे छोटे ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट लगे, अब तक करना, अब तक किया, अच्छा किया, पर अब तक वो करने में भी मुझे मेरी गलतियाँ दिख रही कि मैंने कहाँ कहाँ गलत किया, उसको सुधारूंगी और अच्छे से कोशिश करूँगी करने की। यहाँ पर एडवांस में हमें सर ने इंटरनेशनल जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी नॉलेज डीप में दिया, और आजकल के जो नए टेक्निक्स हैं, न्यूड मेकअप वगैरह जो कि अब ट्रेंड में आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप कोई पसंद नहीं करता है, तो उसको भी कितने सटल तरीके से करना सर ने वो बताया, और छोटी छोटी बातें बहुत डीप में बताई सर ने, जैसे स्किन प्रिपरेशन करना बहुत मैटर करता है, उसके अच्छे प्रोडक्ट्स के नाम बताए सर ने, तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा सब कुछ रहा सर। थैंक यू सो मच सर।
और सर इसके पहले मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं, लेकिन इस तरह से वर्कशॉप नहीं था, क्योंकि जो भी वर्कशॉप में मैंने चार चार पाँच पाँच दिन का किया है तो उसमें उनका उद्देश्य इतना ही था कि उनका कोई प्रोडक्ट बिके या उनकी कोई कंपनी की ऐड हो, ऐसा कुछ था। पर हम जो सीखने के लिए गए तो हमको कुछ ऐसा वहाँ पे नहीं मिला, जैसा हमको आता था वैसा ही वहाँ पे मिला। लेकिन ये फर्स्ट टाइम वर्कशॉप ऐसा है कि यहाँ पे हमको कुछ अलग सा और नई टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ हटके मिल रहा है, और दूसरी बात हमारी जो कमी थी हमें वो पूरी भर कर निकल रही है यहाँ पे। और बस सर, और पहले तो मैं स्वयं सर का मानव दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैंने आज जो वर्कशॉप कर रही हूँ लखन परली सर का, तो इतना मैंने आज तक इतने सेमिनार वर्कशॉप करी हूँ, या ऐसे कौन से सेमिनार में वर्कशॉप में इतने टिप्स जब मिले हैं, कौन से वर्कशॉप में या सेमिनार में मिले नहीं मेरे को, ये फर्स्ट। ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने सेमिनार करने के बाद मेरा बिजनेस के लिए ग्रोथ कर पाएंगे आप? यस, कर पाऊंगी। तो इसमें एडवांस में क्या सीखा है आपने? बहुत कुछ, एकदम जितना मेरे को चाहिए था वो लखन सर दे रहे हैं और देंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कह रहा है और दे रहे भी सर। और उनको मनोदिल से लखन सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और सोम सर को भी धन्यवाद देती हूँ। और लखन सर का जो वर्कशॉप था वो मुझे पता नहीं था, सुरेखा दीदी की वजह से मुझे पता चला और मुझे उसमें इतना कुछ नॉलेज सीखने को मिला मुझे कि मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं इतनी छोटी छोटी बातें सर ने बताए हमको कि हमको जो नॉलेज मिला वो आगे चल के हमको और 5 साल में भी हमको इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे वर्कशॉप में आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने बहुत जगह क्लासेस किए, मैंने बॉम्बे किए हैं, मैंने बहुत जगह पैसे डाले हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम पैसा वसूल है और जो नहीं आए उनका तो कुछ नुकसान नहीं है समझो, लेकिन जो आए हम बहुत लकी है, कम लोगों में हमको ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे से लखन सर बहुत अच्छे से। सेमिनार के बारे में आपको कहाँ से पता चला और आपको पैसा उत्सुकता कैसे बढ़ी? सोम सर ने हमको बताया कि आप मैम करो, हमने सेमिनार किया था पहले, फिर वर्कशॉप के लिए जब भी हमने हाँ बोल दिया था उनको कि हम आने वाले हैं बोल के, क्योंकि सेमिनार ही इतना अच्छा लगा कि वर्कशॉप करने का मन ही किया हमारा और सच में पैसा वसूल ले। सेमिनार का अनुभव क्या रहा? बहुत अच्छा है सर, जो प्रोडक्ट नॉलेज है, जो हम प्रोडक्ट पहले यूज़ करते थे उसका नॉलेज ही नहीं था हमको, वो हमने कहीं फेंक दिए, कहीं स्टूडेंट को दे दिए, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं तो मतलब ही नहीं आता ना काम करने में। लेकिन सर ने वही प्रोडक्ट में कैसे काम करना है वो हमको सिखाया। यहाँ पे कुछ ब्रांड नहीं चलता है, कुछ नहीं, जो आपके पास है उसमें अच्छा आप कैसे कर सकते हैं वो सर सिखाते हैं यहाँ पे। बाकी ब्यूटिशियन वालों को जिसने मिस किया है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं सर, बहुत उन्होंने बहुत गलती की ये मिस करके। क्राउड ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप क्या सीखते हो वो मायने रखता है कि यहाँ पे इतनी कम फीस है चलो इधर भागो, वहाँ पे ये मायने नहीं रखता है। आप कितना सीखना चाहते हो उसमें, कितना सीखते हो उतने पैसे में, वो मायने रखता है ज़्यादा। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे आके भले ही क्राउड ज़्यादा नहीं है लेकिन हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमको, जो नहीं आए उनका तो अभी मैं नहीं बोल सकती। मैम आपने यहाँ पे जो सीखा है ये आपके अभी बिजनेस में आप ग्रोथ कर पाएगी? यस यस डेफिनेटली। क्या एडवांस क्या सीखा है आपने? बहुत कुछ एडवांस सीखा है सर, जो भी जैसे अभी जो आईज मेकअप है, आई मेकअप हम कर रहे हैं तो उसमें सोबरनेस में कैसे, अभी बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं लेकिन वो गॉडीनेस आता है, ब्राइड नहीं बोलती इतना गॉडीनेस हमको नहीं चाहिए या हमको सोबर में चाहिए, सिंपल में चाहिए। सिंपल में आप ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करके सिंपल कैसे बनाते हो उसको वो सीखा है हमने, और कम रेंज में कैसे आपकी वैनिटी बना सकते हो वो सीखा है हमने, बहुत कुछ अच्छे से सीखा है सर। और अभी और कल 2 दिन है तो उसमें तो और अच्छे से सीख जाएंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। आई एम मिस औरंगाबाद 2019 एज वेल एज मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, बट मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मैं लखन परलीकर सर के साथ कोलैबोरेट करना चाहती थी और उनका मेकअप उनके साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि लखन परलीकर सर ही एक आई थिंक महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट है और मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी। सो आज इस सेमिनार के वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स का और लखन परलीकर सर का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सो थैंक यू वेरी मच। मैम आपको ऐसा लगता है कि आपने इतने बार मॉडल बनने का कोशिश किया और लखन परलीकर सर जब आपको उनका मॉडल बने हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? आज बहुत ग्रेट फीलिंग है
क्योंकि पिछली बार भी एक बार लखन परलीकर सर ने मुझे परली के वर्कशॉप के लिए बुलाया था, पर तभी मेरी एक एग्ज़ाम थी इसलिए वो मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर गई। पर आज इस सेमिनार ये औरंगाबाद में हो रहा है तो मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ही होम टाउन में मिली है, सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा पड़ाव है एक मेरे करियर का। क्या है ना कि मैंने इसके पहले बहुत सारे सेमिनार्स देखे हैं, वर्कशॉप देखे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अक्सर ब्यूटिशियंस को गुमराह किया जाता है। मतलब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा, गुमराह इसलिए किया जाता है कि मतलब वो किसी कंपनी ब्रांडिंग के लिए यहाँ आते हैं और ये मासूम ब्यूटिशियंस नहीं समझ पाते। वो ब्यूटिशियन मासूम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सच में उनको क्या लगता है कि कोई चीज़, वो कस्टमर से पैसे निकालते वो बात अलग होती है, लेकिन उनको जो टिप्स देता है ना उनको कोई बेवकूफ़ बना के जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हर ब्यूटिशियंस के पास अगर आप उनके ब्यूटी सैलून में जाएंगे तो हर कंपनी के 10-10, 20-20 हज़ार के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और वो दिया जाता है कि ये लिया तो ही आपका इस तरह का मेकअप आएगा, इस तरह के कलर्स होंगे, इस तरह के हेयर स्टाइल होंगे। ये मैंने देखा है और बहुत जगह पे यही होता है। मतलब वो कई तो कंपनी लॉन्च करती है और पीछे हिडन होती है, वो छुप के करती है कि भाई आप लखन सर अगर आए हैं तो किसी कंपनी के थ्रू ये नहीं बताते, लेकिन प्रेशर उनका ये रहेगा कि ये कंपनी का ब्रांड आप खरीदिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप मेरे हर ब्यूटिशियन से पूछो कि यहाँ लखन सर ने एक भी प्रोडक्ट के बारे में उनको प्रेशर नहीं किया कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आपकी सराउंडिंग के हिसाब से, आपको जो कस्टमर क्लास मिलता है उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए कैसे भी लेने चाहिए। देखिए क्या होता है कि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है 1,000-2,000-3,000 में भीड़ इकट्ठा करता है। भीड़ इकट्ठा करके क्या बोलता है कि शो इज़ 100% सक्सेसफुल, ग्रैंड सक्सेस, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजर का सक्सेसफुल होता है। सच में ब्यूटिशियन को जाते जाते ज़रा पूछिएगा कि आपको पीछे बैठ के क्या समझ में आया। हर कोई बोलेगा कि नहीं हमने तो टीवी पे देखा है। अगर टीवी पे देखना है तो आप मोबाइल पे देखो ना, सारी ट्यूटोरियल फ्री में मिलते हैं आपको, काहे के लिए टीवी पे देखना है। तो ये सब सारा क्यूरीज मैंने निकालने की इस सेमिनार के माध्यम से की। मैं थैंक्स बोलूँगा फिर से एक बार लखन सर का और मेरी जो प्यारी ब्यूटिशियंस है उनके लिए मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलूँगा। इसके बाद मैं ग्रोम के लिए मतलब दूल्हे के मेकअप लिए ये कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि भीड़ से ज़्यादा अच्छे ब्यूटिशियंस और अच्छे बार्बर्स यहाँ पे आके सर से कुछ टिप्स लेंगे। थैंक यू सो मच सर।